लौकी का भरता लग रहा है ना टेस्टी, तो चलिए बनाना शुरू करें। पास्ता दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। वेलकम, आज हम बनाएंगे लौकी का भरता। उसके लिए यहाँ पर एक लौकी ली है मैंने, जो कि बारीक बारीक काटी है। राउंड वाली लौकी थी मीडियम साइज की। यहाँ पर देखिए चॉपर से बारीक बारीक दो मीडियम प्याज और साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा चॉप कर दिया है। और इधर मैंने इसी चॉपर से दो मीडियम टमाटर और दो हरी मिर्च चॉप कर दी हैं। तो ये तो बाद में काम आएगा जब हम तड़का लगाएंगे, पर अभी सबसे पहले हमें लौकी को उबालना है कुकर में। तो मैंने अभी पानी में रखा हुआ है लौकी को, पीने के पानी में ही रख दिया था, तो इसी में से आधा कप जितना पानी भी डाल देंगे। पहले कुकर में लौकी डाल देते हैं और बिल्कुल हल्का सा नमक भी डालेंगे, ताकि नमक जो है वो मर्ज हो जाए लौकी में, मिक्स हो जाए अच्छे से। ये देखिए ये सारी लौकी हमने डाल दी, और अब हम कप से नाप कर आधा कप जितना पानी डाल देते हैं। ये मेरे पास टी कप है, और टी कप में देखिए आधा कप मैंने पानी डाल दिया, और ये पानी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नहीं, थोड़ा कम ही। ये हमारी लौकी है, और ये मैं निकाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। ये देखिए खाली 1/4 छोटा वाला टीस्पून, यानी मसाले वाला स्पून डाला है मैंने। और कुकर को कर देंगे बंद और गैस पर चढ़ा देंगे। अब इसको मैंने एक विसल देनी है, उसके बाद 10 से 12 मिनट तक कम सेक पे रखेंगे विसल होने के बाद, और फिर इसको निकाल के मैश करेंगे। तो अब एक विसल हो जाए, 10 से 12 मिनट कम सेक पर हो जाए, फिर हम इसको बनाते हैं। ये बहुत अच्छे से गल गया है, तो अब हम इसको जैसे भरते के लिए बैंगन को मैश करते हैं, वैसे इसको भी मैश कर लेंगे। थोड़े थोड़े टुकड़े रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, और अगर आपको बिल्कुल भी टुकड़े नहीं चाहिए तो आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको मैश कर सकते हैं। और एक बार मैश करके फिर हम इसको पकाएंगे। आप चाहे तो ऑयल में पकाइए, चाहे तो घी में पकाइए। हम ऑयल में पका के और बाद में इसमें एक चम्मच घी डालेंगे लास्ट में, क्योंकि लौकी में घी अच्छा लगता है। 1.5 टेबलस्पून देखिए ऑयल डाल दिया है हमने इसमें। और अब फिर सबसे पहले हम इसमें प्याज और अदरक का चॉप वो डालेंगे। प्याज और अदरक सबसे पहले जहाँ डाल रहे हैं हम, एक चम्मच जीरा, जीरे को तड़कने देंगे फिर प्याज और अदरक डालेंगे। जीरा वैसे ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो बेशक मत डालिए। साबुत लाल मिर्च भी डालेंगे हम, ये चीजें ऑप्शनल रहती हैं। साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, नमक मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। हम अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं और जितना डालते हैं वो बता देते हैं। एक लाल मिर्च डाल दी है तोड़ के, हींग हल्की सी डालेंगे 1/4 टीस्पून जितने, देखिए जीरा भी तड़क गया। अब हम इसके अंदर प्याज और अदरक डाल देंगे। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद फिर इसमें टमाटर डालेंगे। हींग की बहुत ही अच्छी खुशबू आने शुरू हो गई है। ये हल्का पिंकिश हो गया, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। ये याद रखना अभी थोड़ा सा ही डाल रहे हैं वैसे, क्योंकि प्याज जो है वो भून जाएंगे अच्छे से,
नमक डालने से। और ये याद रखना हमने लौकी में भी नमक डाला था। हल्दी आधा चम्मच, आधा मसाले वाला चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच। सूखा धनिया एक चम्मच। और अगर आपने पहले जीरा नहीं डाला और आपको जीरा पसंद है तो आप बाद में जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भूनेंगे टमाटर को मिक्स करके, और जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता, टमाटर अच्छे से भून नहीं जाता तब तक हम इसको भूनेंगे ढक के थोड़ा सा। तो एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लौकी जो है उसको पकाएंगे। देखिए हमने इसको ढक दिया ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें लौकी डालेंगे। एक दो मिनट तक इसको पकने देंगे, तेल छूटने देंगे। टमाटर पक गया, आप देख सकते हैं साइडों से तेल भी छूटने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे लौकी, और क्योंकि लौकी में पानी है तो उस पानी को भी सुखाना होगा। तो अब तेज सेक पर इसको पकाएंगे। लौकी ऑलरेडी पकी हुई है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब ऑलमोस्ट सूखने वाली होगी तब हम इसके अंदर धनिया और गरम मसाला भी डालेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, पानी थोड़ा सूखने देते हैं। हरा धनिया डाल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बाकी हमने हरा धनिया इसमें डाल दिया है, 1.25 टेबलस्पून जितना हमने गोभी काट के रखा था। और अब डाल देंगे गरम मसाला 1/2 से 3/4 टीस्पून जितना। क्योंकि गरम मसाले में भी तीखापन होता है तो वो भी बेहतर यही है कि आप अपने हिसाब से डालें। और अब हम इसको पकने देंगे। जैसा कि मैंने कहा इसका पानी सुखाना है, तो अब इसका पानी सुखा के और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब इसको सुखाने की कोशिश करें, पहले से कुछ सूख गई है। आपको बीच बीच में जो सीटी की आवाज आ रही है, हम दाल भी बना रहे हैं उसी की है। और ये देखिए ये घी डाल दिया मैंने, ये 1 टीस्पून जितना घी है। ये मेरा टेबलस्पून है इसीलिए मैं उसको भर के नहीं डाल रही। तो ये 1 टीस्पून जितना देसी घी भी डाल दिया हमने इसके अंदर। अब बस इसके सूखने की देर है और फिर डिश आउट करेंगे। लीजिए लौकी का भरता रेडी है, दाल और चावल के साथ परोसेंगे इसको हम। डिश आउट कर दिया है, दाल भी बन गई है इतने में, और बस अब खाने की देर है। आप भी बनाइए इसको, खाइए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, प्लीज कर दो, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।